सो यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म मेथी की मटरी। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड फेस्टिवल्स में हमारे घरों में बहुत से स्नैक्स बनते हैं, जिसमें से एक है मटरी। बहुत ही सिंपल एंड आसान सी रेसिपी है, जिससे एकदम बाजार जैसी क्रिस्पी मटरी बनके घर में रेडी हो जाती है, वो भी बहुत कम समय में। सो हाय गाइस, दिस इज अंकिता एंड वेलकम बैक टू मॉमीज किचन स्टोरी। तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी शुरू करते हैं। मेथी की मटरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कटोरी मैदा। सो ये जो मटरी है बहुत ही क्रिस्पी और डिलिशियस बनती है एंड आपको एकदम बाजार जैसा टेस्ट घर पे मिलता है। सो यहाँ पे हमने मैदा ले लिया है एंड अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी अजवाइन, करीब 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब 1 चम्मच कलौंजी या करेल, बहुत भर के नहीं डालना है, खाली खाली 1 चम्मच आप डाल दीजिए। एंड क्योंकि हम मेथी मटरी बना रहे हैं तो हम इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून सूखी मेथी, या जिसे हम कस्तूरी मेथी भी बोलते हैं, एंड नमक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। सो बस 2 से 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं एंड अब हम इसमें डालेंगे मोयन, जिसके लिए मैं यहाँ पे ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो घी का मोयन भी दे सकते हैं। एंड ऑयल कितना डालना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो ये जो मेथी की मटरी हम बना रहे हैं ये बहुत ही डिलिशियस और क्रिस्पी बनती है, एकदम बाजार जैसी। आप इन्हें शाम को गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं कोई गेस्ट आ गया हो तो, या फिर जब लेट नाइट भूख लगती है तो आप इन्हें अचार के साथ खाइए, बहुत ही यमी लगता है। सो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड अब हम मोयन चेक कर लेते हैं इस तरह से। सो मोयन चेक करने के लिए हम आटे को अपने हाथ में मुट्ठी बांध के देखते हैं इस तरह से, एंड अगर ये बंध जाता है मतलब हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब हम आटे को मार लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा आटा गीला हो सकता है एंड हमें बहुत ज्यादा गीला आटा नहीं चाहिए। सो जब भी हम इस तरीके की चीजें बना रहे होते हैं, चाहे वो मटरी हो या खुरमी हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमने मोयन कितना डाला है। अगर हमारा मोयन ज्यादा हो जाएगा तो हमारी मटरी वगैरह एकदम ऐसे सॉफ्ट हो जाएगी, कुरकुरी नहीं रहेगी, टूटने लगेगी, एंड अगर आपने कम मोयन डाला तो बहुत ज्यादा कड़ी हो सकती है। इसलिए परफेक्ट मोयन डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे एंड आटे को मारते जाएंगे। फटाफट से इसे मार लेते हैं एंड उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो यहाँ पे हमारा जो मटरी का डो है ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे एंड हमारा डो एकदम रेडी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, हमें आटे को ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट मारना है ना बहुत ज्यादा हार्ड, एकदम मीडियम रखना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट डो रेडी हो चुका है एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मटरियों को बनाना। इसके लिए मैं यहाँ पे आटे को 2 हिस्सों में बांट रही हूँ एंड उसके बाद हम बनाएंगे इसकी लोई। सो जब तक कि मैं यहाँ पे लोई बना रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं इस तरह से। सो यहाँ पे हमने आटे को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है एंड अब हम इसकी लोई बना लेंगे इस तरह से। तो ये जो हमारी मेथी की मटरियां हैं ये आराम से 15 से 20 दिन चलती हैं एंड आप इन्हें बना के एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं।
चाहे कोई फेस्टिवल हो या छोटी मोटी क्रेविंग्स के लिए आप इन्हें बना के रख सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें फटाफट से बेल लेते हैं। बहुत ज्यादा इसे हमें नहीं बेलना है, बस हल्का सा एक या दो बार बेलना है। एंड ये देखिए, ये हमारी मटरी बेल के रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी की मटरियों को भी बेल लेते हैं। हल्का हल्का, थोड़ा मोटा ही रखना है। बस इस तरह से फटाफट से हम बाकी की मटरियों को भी बेल लेते हैं। सो आई थिंक ये जो हमारे ट्रेडिशनल घर के बने स्नैक्स हैं, ये काफी बेटर होते हैं मार्केट में जो हमें स्नैक्स मिलते हैं उनके बदले, क्योंकि ये आपके घर पे बने हैं एकदम प्योर एंड हाइजीनिक तरीके से। एंड दूसरी चीज, इसमें ना ही पाम ऑयल है एंड ना ही कोई प्रिजर्वेटिव। सो इट्स क्लियरली द बेटर ऑप्शन हम सभी के लिए। बट हाँ, थोड़ा टाइम लगता है इन्हें बनाने के लिए, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। सो मटरियों को बेलने के बाद अब हम इस फोक की मदद से इस तरह से इन्हें पंक्चर कर लेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। सो इसी तरह से सभी मटरियों को हम फटाफट से पंक्चर कर लेते हैं। सो बेसिकली इस तरह से करने से हमारी जो मटरी है ये पूड़ी की तरह फूलती नहीं है एंड एकदम बढ़िया बनती है। सो ये देखिए, हमारी मटरियां एकदम रेडी हो गई हैं फ्राई करने के लिए। सो यहाँ पे हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है एंड तेल गरम हुआ है या नहीं ये हम चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं अभी तेल उतना गरम नहीं हुआ है, तो हम इसे थोड़ा सा और गरम होने देंगे एंड उसके बाद हमारी मटरियों को हम फ्राई करेंगे। सो थोड़ी देर तेल को गरम करने के बाद हम फिर से चेक करते हैं एंड यस, हमारा तेल गरम हो चुका है। तो चलिए अब हम मटरियों को फ्राई करना शुरू करते हैं। सो एक बार में हम 5 से 6 मटरी फ्राई करेंगे, जिससे कि जो मटरियां है वो अच्छे से सिक सके एंड हीट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो एंड हमारी मटरियां एकदम क्रिस्पी बने। सो मीडियम आंच में हम इन मटरियों को धीरे धीरे सिकने देंगे जब तक कि ये अच्छी गोल्डन एंड क्रिस्प ना हो जाए। सो यहाँ पे जो हमारी मटरियां है ये रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया कलर आया है एंड खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। एंड क्योंकि हमने इसमें मेथी ऐड करी हुई है तो इसकी जो खुशबू है वो और ज्यादा अच्छी आ रही है। तो चलिए फटाफट से हम बाकी की मटरियों को भी फ्राई कर लेते हैं। सो जब तक कि हमारी मटरियां रेडी हो रही हैं, अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म मेथी की मटरी बनके रेडी हो गई है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड डिलिशियस। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें एंड आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।